नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं पूजा। कांग्रेस पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जड़कुड़ पिपराही सड़क मार्ग की जर्जर हालत को लेकर तत्काल सुधार किए जाने की मांग पर कांग्रेस का आंदोलन हुआ। वहां पर उमड़ी भीड़ को देखकर प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। यद्यपि प्रशासन के द्वारा जिले भर से बड़ी संख्या में पुलिस बल बुलाया गया था, वहीं पूर्व विधायक की अगुवाई में किए जा रहे आंदोलन में हजारों की तादाद में अधवांचल के ग्रामीण कार्यक्रम स्थल पर एकत्र हुए, जिन्होंने मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के भूमि पूजन वाले मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। वहां पर जनाक्रोश देख सत्ता पक्ष के विधायक चोरी छिपे भूमि पूजन करने में भलाई समझी। सुखेंद्र सिंह ने अपने क्रांतिकारी उद्बोधन में भाजपा विधायक और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि लूटपाट से बनी भाजपा की सरकार मऊगंज विधायक की लूटपाट में ही चल रही है। उन्होंने कहा कि मऊगंज विधायक ने सिर्फ फर्जी उद्घाटन किया है, उसका बड़ा उदाहरण है रीवा कलेक्टर से जब हमने सड़क निर्माण को लेकर 24 मार्च को आंदोलन का ऐलान किया तो विधायक ने कलेक्टर से मिलकर सड़क मेंटेनेंस का भूमि पूजन करने छुप कर गए हैं। उन्होंने विधायक को ललकारते हुए कहा कि लटके झटके वाले उद्घाटन क्या करते हैं, दम है तो मऊगंज को जिला बनवाते, यहाँ बाढ़ सागर का पानी लाओ। मैं भाजपा सरकार को बता देना चाहता हूं कि ये लड़ाई मेरी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ये मांग भाजपा सरकार पूरी नहीं कर देती। हमने इसको लेकर कई बड़े आंदोलन किए हैं, भले ही मैं विधायक इस समय नहीं हूं, पर इस मांग को लेकर सरकार को चैन से रहने नहीं दूंगा, उसे पूरा करवाकर ही दम लूंगा। मऊगंज विधानसभा की जनपदों में अधिकारियों के साथ नारियल अगरबत्ती लेकर चलने वाले विधायक ने सिर्फ फर्जी उद्घाटन किया, काम कहीं भी नहीं दिख रहा, जिसके द्वारा मऊगंज हनुमाना में थाने में जनता से पुलिस की अवैध वसूली, निरपराधी पर फर्जी मामला दर्ज कराने के साथ ही फर्जी विकास से सरकारी खजाना लूटने का काम जारी है। हमारी बहुत सारी माताएं बहने, अभी हर्राई प्रताप सिंह के साथियों ने मुझे कहा कि दादा क्रेशर के कारण हम लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। ये बातें आई, बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा, इसलिए इस बात को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में इस गजट के आधार पर अगर कहीं भी शासकीय जमीन है तो वो भी अब आपके हाथ से जाने वाली है। ये मोदी सरकार की रीति और नीति है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पेपर गलत जो आज छपा है, और पेपर की बात गलत हो तो आप इसको देख लेना और पता लगा लेना, तब हमारे बातों पर आप विश्वास करना, ये मैं आपको बताना चाहता। साथियों, महंगाई की बात बहुत चल रही, वैसे तो पूरे देश में इस समय बात करने लायक नहीं, 5 राज्यों का रिजल्ट आया, बड़े लोग उत्साहित होकर के उठ कर रही है, आम जन एकदम प्रताड़ित है, पीड़ित है, पेयजल की समस्या है, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के ये आंदोलन आज रखा गया। अब हम वही तो कहते हैं कि आपके सामने प्रशासन ने इस बात को स्वीकारा कि आपने जब कलेक्टर रीवा को जा करके बोला और आंदोलन की धमकी दी, तब जा करके आनंद फानन में मेंटेनेंस के लिए मंजूर हुआ, कोई रोड मंजूर नहीं हुई, ये मेंटेनेंस का काम मंजूर हुआ। मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश माफियाओं का प्रदेश नहीं है। अरे वही आदित्यनाथ रोया करते थे, अब आज बुलडोजर की बात करते हैं। सदन में जिस दिन रोए थे उनको उस बात को याद रखना चाहिए। ये मध्य प्रदेश किसानों की धरती है, मजदूरों की धरती, आदिवासियों की धरती है। अगर यहाँ बुलडोजर की बात करेंगे तो यहाँ ट्रैक्टर कल्टीवेटर और रोटावेटर से कुचल दिया जाएगा उनका बुलडोजर। जनता यहाँ पर तैयार है, किसान तैयार है, युवा तैयार है, नौजवान तैयार है और आम जनता तैयार है, बस यही मैं कहना चाहूँगा। भाषण हमारा सुनिए कि हमको जड़कुड़ के लोगों ने कहा, हमको ये शंकर सिंह नेताम जी ने कहा, हम दौरा करते हैं, जब यहाँ के लोगों ने कहा कि 8 महीने बीत गए, विधायक जी बोले थे कि 8 महीने में रोड बनेगी, आज अब 8 महीने बीत गए तो आप कुछ करेंगे, तो हमने जा करके कलेक्टर से बोला कि मैं 24 तारीख को, हम कहते हैं कि कलेक्टर से मैं उनका तो वो बता देते कि मैं मेरी आदत न कभी उद्घाटन की रही, न कभी लोकार्पण की रही, मेरी आदत सदैव काम मंजूर कराने की रही और रियल काम पूरे मऊगंज में किया हूँ, आने वाले में समय में ही करूँगा और जहाँ जरूरत पड़ेगी, मैं विपक्ष में हूँ तो आंदोलन मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, आंदोलन के तम पर झुकाने का प्रयास किया और कर रहा हूँ, आज उसका परिणाम आप सबको देखने का मिल रहा है कि प्रशासन झुका, चोरी छिपे जो भी कर रहा है, अब आगे देखिए क्या होता है। ये ईश्वर की दी हुई ऊर्जा है, ये मैं मऊगंज की जनता की ताकत है, जनार्दन की ताकत है, मऊगंज के युवाओं की ताकत है, किसानों की ताकत है, हमारी माताओं बहनों की ताकत है और मेरे दिल दिमाग की ताकत है, ईश्वर की दी हुई ताकत है और मऊगंज का किसान पुत्र हूँ, किसान हूँ और अपने ईमानदारी का खाता हूँ, खाया हूँ, इसलिए ये ताकत आती है।